नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं रापी टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। सिलीगुड़ी महिला कॉलेज में AIDSO के कार्यकर्ताओं एवं तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प, घटना को लेकर इलाके में दिखा तनाव का माहौल। महिला कॉलेज होने के बावजूद आखिर क्यों लड़कों ने किया प्रदर्शन, ये सवाल उठाते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रकट किया रोष। माचीगढ़ा सिटी सेंटर के पास एक चलती सिटी ऑटो में लगी भयावह आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। राज्यव्यापी हड़ताल के तहत ऑल इंडिया DSO ने सिलीगुड़ी कॉलेज के गेट को बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के बीच मौके पर पहुंची पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हुई झड़प, कई लोग हिरासत में। बालासन नदी से अवैध खनन के आरोप में दो गिरफ्तार, पिकअप वैन जब्त, आज दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। बागडोगरा में नाबालिका से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रवीण प्रकाश दार्जिलिंग जिले के नए पुलिस अधीक्षक किए गए नियुक्त। फुलबाड़ी उच्च विद्यालय के सामने AIDSO का प्रदर्शन, मौके पर पहुंची NGP पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कराया शांत। राजगंज में तालमा चाय बागान में मालिक ने सस्पेंशन ऑफ वर्क नोटिस में श्रमिकों को दोषी करार कर बागान में लगाया ताला, श्रमिकों ने किया सड़क जाम। प्रधाननगर थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ दो नामजद तस्कर को किया गिरफ्तार, दोनों को शनिवार को सिलीगुड़ी अदालत में किया जाएगा पेश। कालचीनी ब्लॉक के हासीमाड़ा इलाके में चोरी की घटना से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शुरू की जाँच। बकाया डीए की मांग पर संयुक्त संग्रामी मंच के द्वारा बुलाए गए हड़ताल को लेकर माताभांगा में हंगामा, तृणमूल पर हड़ताल समर्थक की पिटाई करने का लगा आरोप, हालांकि तृणमूल ने आरोपों से इनकार किया। बकाया डीए की मांग पर संयुक्त संग्रामी मंच द्वारा बुलाए गए हड़ताल के समर्थकों ने अलीपुर द्वार अदालत के गेट पर ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। डीए की मांग पर निखिल बंग शिक्षक समिति हुए हड़ताल में शामिल, अलीपुर द्वार शाखा के सदस्यों ने DI कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। सड़क मरम्मत और बांध के निर्माण की मांग पर अलीपुर द्वार दो नंबर ब्लॉक के चेंगपाड़ा के ग्रामीणों ने अलीपुर द्वार बारोबिशा स्टेट सड़क किया जाम। रापी टाइम्स में आज के लिए तही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।